और ये कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि रिश्तेदार हो, कोई भी कर सकता है। और तीसरा, 10 दिन के भीतर प्रतिदेह के दुख से उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए किसी ज्ञानी पात्र के प्रति भजन। मैंने महात्माओं के प्रति भजन नहीं बोला, ज्ञानी पात्र के प्रति भजन। अगर ज्ञानी है तो ही तुम्हारी समस्या का हल होगा, और या तो परमात्मा की लीलाओं के द्वारा, परमात्मा अपने लीलाओं के द्वारा भी प्रतिदेह के दुख दूर कर सकते हैं। ऋतपुर में भक्त मरा और गोविंद प्रभु महाराज तोड़ के, अभी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस माई को कहते हैं खाने को कुछ दे, वो माई कहते हैं रोटी नहीं बनाई, कहते रात का होगा ना, रात के चावल पड़े हुए थे, रात के चावल श्री गोविंद प्रभु बाबा ने स्वीकार कर लिए, भोजन कर लिया। यहां पर वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, शरीर है, और इधर बैठे हैं गोविंद प्रभु महाराज रात का बेहा चावल खा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये जो जीव है वो थोड़ी देर के लिए भी प्रतिदेह के दुख में जाए, अंतिक के दुख में जाए। तो ये 10 दिन तक बोलने के बजाय 10 दिन के भीतर, और ये दशक्रिया कोई भी कर सकता है, रिश्तेदार कर सकते हैं, कोई ना हो पास पड़ोसी कर सकते हैं, कोई सन्यासी भी कर सकता है। और संकल्प में श्री कृष्णार्पण आप बोलते हो, जो भी संकल्प आप देते हो ना उसमें कृष्णार्पण बोलते हो, लेकिन दशक्रिया का जो संकल्प है उसमें कृष्णार्पण नहीं होता, उसमें मृत आत्मा का नाम लेकर के, उसका जो भी नाम है वो नाम लेकर के उस आत्मा के निमित्त भजन पूजन अर्पण। क्यों कि एक्स्ट्रा क्रिया है, ये सृष्टि व्यवस्था से हटकर के क्रिया बना दी है परमात्मा ने, और वो केवल जीवात्मा के भले के लिए है। और ये दशक्रिया जय कृष्ण ज्ञानी लोग उसी व्यक्ति की लेते हैं जो जिसने नाम लिया हुआ हो, गुरु मंत्र लिया हुआ हो, उसी की लेते हैं। तो मेरे विचार से मृत्यु के बाद क्या क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। कोई जमीन को लीपने की जरूरत नहीं है, कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मंजिल पे मर गया है या आकाश में मर गया है, कोई श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 दिन के अंदर ज्ञानी पात्र के प्रति भजन पूजन, मृत्यु के 3 घंटे तक परमात्मा का सिमरन और हाथ मिला लेना, बस ये 3 नियमों का पालन किया जाए। इतनी ही विधि आप में है, तो आज पिछला प्रवचन और आज का प्रवचन